आज का जो वीडियो है वो है क्रोटोन का प्रोपागेशन। तो कैसे मैं क्रोटोन प्रोपागेट करूँगी, ये मेरे पास एक वैरायटी का है। और भी बहुत सारे वैरायटीज़ है क्रोटोन का, तो सभी क्रोटोन है एंड बहुत इजीली प्रोपागेट हम लोग कर सकते हैं। तो मैं एक डाल काट चुकी हूँ। तो इसको मैं कैसे प्रोपैगेट करूंगी, इसको मैं काटूंगी और थ्री मेथड्स में शो करूंगी। तो ये देखिए मैं काट चुकी हूँ, ये एक पार्ट है और दूसरा ये वाला, जिसको मैं 45 डिग्री एंगल से ये ब्राउन कवर हटा चुकी हूँ। तो थ्री मेथड्स में शो करूँगी कैसे प्रोपैगेट करना है। एंड बता दूँ कि क्रोटोन बहुत इजी टू प्रोपैगेट प्लांट है, इजी टू मेंटेन प्लांट है। फर्स्ट मेथड, इस डाल से मैं पूरा पत्तियाँ निकल चुकी हूँ और प्रोपैगेशन होगा इन वाटर। तो ये मेरा बैल्कनी का एरिया है जहाँ पर धूप आता है, लेकिन 1 घंटा या 1.5 घंटा के लिए, तो सेमी शेड या पार्शियल सनलाइट मिलता है। तो पहला प्रोपागेशन आप देख सकते हो, ये वाटर है और इसमें बहुत सारा डाल बोल सकते हैं आप, मनी प्लांट सब इसमें प्रोपागेशन हो रहा है। तो ये जो डाल है क्रोटोन का, ये हिस्सा जिससे मैं ये लीव्स काट चुकी हूँ, इसको मैं ऐसे रख दूंगी। याद रखना सेमी शेड एरिया होना चाहिए, सनलाइट 1 घंटा या 2 घंटा मिले बस उतना ही काफ़ी, ज़्यादा सनलाइट ज़रूर नहीं है। और ये जो लीव्स हम लोग काट चुके हैं, ये ड्यू फॉर ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन जो होता है ना, लीव से बहुत सारा वाटर निकल जाता है, तो रूट्स डेवलप में ज़्यादा टाइम निकल जाता है, इसलिए हम लोग लीव्स छांट देंगे। एंड ये जो वाटर है, ये मैं हर रोज़ बदलती रहती हूँ, 3-4 डेज हर रोज़ बदलना पड़ेगा, नहीं तो रूट्स नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, और एक काम आप कर सकते हो, अभी बारिश का मौसम है, आप बारिश के पानी में भी डुबो के रख सकते हो, लेकिन मस्ट है आपका ये वाटर चेंज करना आफ्टर एवरी 3-4 डेज। ओके, ये हो गया फर्स्ट मेथड। अभी सेकेंड मेथड, ये लीव से प्रोपैगेट हो जाता है बहुत जल्दी। ये वाला पार्ट ऐसे रख दूंगी, 1-2। एक हाथ से वीडियो करती हूँ ना, इसलिए थोड़ा कांप जाता है बीच बीच में। 4, ये पार्ट पानी के अंदर होना चाहिए। 5, तो 5 लीव्स में पानी के अंदर रख दी और एरिया जो होगा सेमी शेड होगा, 1 और 2 आवर्स का सनलाइट, और ईच एवरी 3-4 डेज के अंदर हम लोगों को ये वाटर चेंज करना है, नहीं तो रूट्स नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया सेकेंड मेथड। अब चलिए दिखा देती हूँ थर्ड मेथड, वो सॉइल में करेंगे हम लोग। थर्ड मेथड, मैं सीधे इसको मिट्टी में डाल दूंगी, और आप लोगों को चाहिए तो आप रूटिंग हार्मोन अप्लाई कर सकते हैं। और होममेड रूटिंग हार्मोन जो होता है, नॉट होममेड लेकिन आसानी से मिलता है रूटिंग हार्मोन, जो है आपका हनी मधु। तो अभी रेनी सीजन है तो आप ऐसे ही डाल के लगा सकते हो, शेड में रख देना और बारिश का जो पानी है उसे हो जाएगा, और नहीं तो आप इसमें रूटिंग हार्मोन या हनी अप्लाई करके इसमें डाल सकते हैं। और
इस मिट्टी को पूरा प्रेस करके साइड से और ऐसे आप शेड में रख देना। बस कुछ दिन का इंतजार और देखते हैं रिजल्ट्स कैसे होता है। ये था थर्ड मेथड। अभी रिजल्ट्स देखेंगे कैसे इसका रूट्स डेवलप्ड हुआ है। तो डॉल से भी मेरा निकल चुका है रूट्स, मैं लगा चुकी हूँ और ये देखिए लीफ से भी रूट्स निकल गया है। तो इट्स वेरी स्ट्रेंज कि लीफ से प्रोपेगेशन हो जाता है एंड बहुत आसानी से प्रोपेगेशन हो जाता है। तो 6 लीव्स था मेरे पास, 2 फेलियर हुआ है और 4 सक्सेसफुल हुआ है। तो ऐसा इजीली आप कहीं से भी एक पत्ता लेके के आ सकते हैं और प्रोपेगेट कर सकते हैं। ये देखिए ये डाल का भी थोड़ा थोड़ा निकल रहा है रूट्स, जो बारिश में दी थी वो लग गया है मेरा। बहुत इजीली प्रोपेगेटेड प्लांट है ये क्रोटोन, बहुत सारा वैरायटीज में मिल जाता है और बहुत कलरफुल है। अभी मैं इस लीव्स को सॉयल में दे दूंगी। सेल्फ गार्डन सॉयल यूज़ किया है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर इस टॉप में मैं 2 लगा रही हूँ, दूसरा टॉप में मैं और 2 लगा दूंगी। लेकिन एक ही चीज़ है, लीफ से प्रोपेगेट करने में और प्लांट बड़ा होना में थोड़ा टाइम लग जाता है ज़्यादा रेदर देन ब्रांचेस या स्टीम, लेकिन प्रोपेगेट ज़रूर होता है एंड बहुत ईजी होता है। तो अगर आपको पॉसिबल होता है आप डाल कलेक्ट कर सकते हो या लीव्स कलेक्ट कर सकते हो और ऐसा प्रोपेगेट कर सकते हो। बेस्ट टाइम है रेनी सीजन, नहीं तो दूसरा मौसम में शेड में रख के आप प्रोपेगेट कर सकते हो पानी में, या आधा घंटा 1 घंटा के धूप में भी रूट्स डेवलप हो जाएंगे।